स्टूडेंट आज हम क्लास 10 के मैथ की ये करेंगे और उसकी आज एक्सरसाइज 1/2 है। ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, उसका हमने सीखा था कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने थ्री मेथड सीखा था, बाय फैक्टर्स के मेथड, बाय कंप्लीट के मेथड। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट हाउ टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला और जो आप वो भी इसी फॉर्म होगी, तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनेगा वो है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। इसको हम इधर प्लस पे और इधर माइनस पे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बेसिकली ये रूट से इसके जो टू रूट से इसके जो ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करवाऊंगा आपको। अब इस फिर हमारी देखिए क्वाड्रेटिक पेज फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपके पास क्वाड्रेटिक पेज की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तब आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1/2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा लेता हूं। फर्स्ट पार्ट है और b आपके पास है c या -2 ओवर 2 इनटू 1। इसको सॉल्व करें, इसको बन जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49। सबसे पहले हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है, अंदर जो भी वैल्यू होगी तो ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 2 8 ओवर 2 1 2। अब इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में 9 ऐड किया तो ये आएगा 49 पांच पे आके 57 ओवर 2 1 2। ओके अब हम इधर से देखा जाए कि ये 57 इज अ प्राइम नंबर और इसका फैक्टर नहीं बनते तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके सेम एज में लेंगे, इसके क्या करेंगे कि फैक्टर नहीं बनते तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो एज इट आएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। सर बाकी जितने भी क्वेश्चन सेम इसी मेथड से है, लेकिन इसमें से मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको आपको आंसर दे। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखें तो वो आपका उस पे फ्रेशर फॉर्म है। सबसे पहले आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपका ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब मैं उसके बाद मैं आपको नोट कर मैं आपको फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।